हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ड्रैगन विद क्यूट मरमेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा विभीषण था, उसके फादर ने उसे सजा दी थी, बेड़ियों से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेचारा एक कोने में ही सो रहा था। और यहाँ पर वो अचानक से लवांगची को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। उसका मन कर रहा था वो लवांगची के पास जाए, उससे मिले, उससे बातें करें, बट अफसोस पानी की एक तल पर वो यहाँ पर बेड़ियों में बंधा हुआ था। और वो बेड़ियों को खुद से दूर भी नहीं कर सकता था, तोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके फादर जो थे ना, वो यहाँ पर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। विभूषण का एक छोटा सा ही दोस्त होता है मरमेड, वो ना उसके फादर से उस चाबी को चुरा लेता है। लेकिन वो पहले विभूषण को बुली करना चाहता था, क्योंकि विभूषण उसे बहुत सताता था, कभी कभी उसे पनिश भी किया करता था, और कभी कभी विभूषण उसके हाथ से चीजी छीन कर खा लेता था। क्योंकि विभूषण जो था ना, वो इन लोगों में उसके ना तो वो ज़्यादा छोटा था और ना ही ज़्यादा बड़ी एज का था, तो उसके साथ कोई घूमने वाला नहीं था। इकलौता उसे लवांगजी घूमने वाला मिला था, लेकिन वो उससे भी बात नहीं कर पा रहा था। ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। विभूषण जो है वो एक जगह सैड बैठा होता है, और वहाँ पे लवांगजी रात होने का इंतज़ार कर रहा था। जब सारे मरमेड सो जाते हैं, तब उसे लगता है कि वो पानी के अंदर जाकर विभूषण को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। बट वो मन में सोचता है कि अगर वो नीचे जाएगा तो शायद वो विंग की मदद कर दे, और विंग को बाहर आने में कहीं ना कहीं उसे सहायता दे। तो यहाँ पर वो सोचकर ही रात का इंतजार कर रहा था। और जब रात होती है ना, उसके बाद सारे मरमेड सोने के लिए चले जाते हैं। वो छोटा लिटिल सा मरमेड अभी भी बैठा हुआ विभूषण को देख रहा था, और वो विभूषण को देख देख के जीप चिढ़ा रहा था। विभूषण भी बदले में देख देख के उसे जीप चिढ़ा रहा था। यहाँ पर विभूषण उसे कहता है, तुम जाकर सो क्यों नहीं रहे? तो वो विभूषण को चाबी दिखा के कहता है, तुम्हारी चाबी मेरे पास है। विभूषण कहता है, मुझे चाबी दे दो, तुमने मेरे फादर से चाबी चुराई, हो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो कहता है, कर दो जाकर, पर मैंने तुम्हें खोला थोड़ी है, चाबी ली है तो क्या हुआ, मैं कह दूंगा कि उनसे चाबी गिर गई थी और मैंने उठा ली, पर ये चाबी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तुम यहाँ पर कैद रहो, मैं जानता हूँ तुम उस इंसान से मिलने जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम जाओ, तुम मुझे बहुत भुली करते थे ना, अब तुम्हारी बारी आई है। विभूषण बार बार कहता है, चाबी दे दो ना, मुझे उससे मिलना है, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, और उसे दवाई भी लगवानी है, प्लीज़ मुझे दो ना चाबी। वो बच्चा जानबूझकर, वो मरमेड सा क्यूट सा बच्चा यहाँ पर विभूषण को देखता है और उसको जीप चढ़ाने लग जाता है। मैं नहीं दूंगा चाबी, बिल्कुल नहीं दूंगा। वो उसके आसपास यहाँ पर जानबूझकर उड़ता रहता है, पानी के अंदर तैरता रहता है और जीप चढ़ाता रहता है। विभूषण बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाता है। तभी लवांगजी, जो कि देख रहा था कि काफ़ी देर हो गई है, इस बच्चे को भी अब नींद आ रही थी, ये भी विभूषण को जीप चढ़ाकर जा रहा होता है कि तभी देखता है पानी में से कोई चीज़ नीचे आ रही है, और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर लवांगजी सीधा पानी में कूद जाता है अपनी चिंता किए बिना। जैसे ही वो पानी में कूदता है, उसे सांसें चढ़ने लगती है और उसे सांस नहीं आती। वो अपने हाथ पैर मारने लगता है, और विभूषण यहाँ पर घबराते हुए उस बच्चे से कहता है, जल्दी चाबी दो, उसे कुछ हो जाएगा, उसे तैरना नहीं आता। वो बच्चा कंफ्यूज होता है। विभूषण यहाँ पर जोर से उन बेड़ियों को तोड़कर भागने लगता है, लेकिन जिसकी वजह से विभूषण को काफ़ी ज़्यादा टाइट बंधी हुई थी, और उसके जहाँ पर उसे बंधी हुई थी वेस्ट की साइड, वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा खून आने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके खुद को उसमें से निकाल रहा था, तभी वो बच्चा आगे आकर उस बेड़ी को फटाफट ताले में से खोल देता है, और विभूषण जैसे ही उस ताले में से निकलता है, विभूषण की बॉडी से खून आ रहा था, लेकिन तब भी वो वांगची की तरफ तैरता तैरता भागता हुआ जाता है, और फटाफट से विभूषण आराम से जाकर वांगची को पकड़ लेता है, और यहाँ पर माउथ टू माउथ देने लगता है। उसके बाद वो वांगची को पानी में से ऊपर ले आता है। वांगची यहाँ पर हाफ रहा था। विभूषण बड़े ही प्यार से उसकी चेस्ट को दबाता है और उसे सांस लेने में मदद करता है, फिर माउथ टू माउथ फिर से देता है, और फिर विभूषण को काफ़ी ब्लड निकल रहा था, जिसकी वजह से उसे दर्द भी हो रहा था, पर वो वांगजी को ही होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी को पानी में आने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी वजह से वांगजी उसे ढूंढने के लिए आ जाया। ये देखकर विभूषण को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन विभूषण को इंजरी हुई हुई थी। वांगजी थोड़ी देर बाद होश में आता है, वो विभूषण के चेहरे को पकड़ता है, लेकिन वो देखता है कि विभूषण ना वो थोड़ा सा दर्द में है, उसके चेहरे पे पसीना है। तो वो जब नीचे देखता है, तो देखता है कि उसे बचाने के लिए विभूषण ने
थोड़ी सी जद्दोजहद की, जिसकी वजह से शायद उसको चोट आ गई है। वह विभीषण को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसके पास से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था। वह विभीषण को सीधा अपनी गोदी में उठाता है और झाड़ियों के पीछे ले जाता है। वह विभीषण से पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। वो बताता है, कुछ भी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मैं उन बेड़ियों में से निकलना चाहता था, लेकिन वो बेड़ियों ने मुझे इंजर्ड कर दिया। लवंग जी कहता है, यहाँ पर कौन सी दवाई है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। भीम कहता है, कोई बात नहीं, ब्लड बंद हो जाएगा। लेकिन उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था, तो वांगजी यहाँ पैनिक होने लगता है और कहता है, जल्दी बताओ, मेरी वजह से तुम्हें चोट आई है ना। भांगजी यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आने ही वाला था कि विंग कहता है, वो झाड़ी, उस झाड़ी के पीछे जो दवाई है वो मुझे लाके दो। तभी भांगजी रुक जाता है और झाड़ी के पीछे जाता है। जितनी भी दवाई विंग ने कही थी उसे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सारे पौधों को उखाड़ के यहाँ पर ले आता है और कहता है, कौन सा है इसमें। विंग कहता है, उसने उनमें से 3 पौधे चुन लिए थे और बाकी को वापस से लगाने के लिए कह देता है। वांगजी जब नहीं जाता तो विंग उसे आग दिखाने लगता है। वो बड़े ही प्यार से उन पौधों को अपने हाथ में लेता है, अपने जादू का इस्तेमाल करता है और उससे एक लेप बना देता है। और फिर वो लेप बड़े ही प्यार से वांगजी उसकी जो नीचे की बॉडी मछली जैसी थी उस पर लगाने लगता है, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। वांगजी ना बहुत पैनिक हो गया था और वांगजी ने यहाँ पर उसे पूरी अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें लगाने के बाद वो उसके पास लेट जाता है। वो विंग से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो अपने रोप्स को उतारता है और विंग के पैरों पर बांध देता है। विंग यहाँ पर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं मरमेड हूँ, मुझे इस तरह से पट्टी नहीं बांधने की ज़रूरत। लेकिन वांगजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, अपने रोप को उसके पैरों पर बांध देता है और उसके बाद उसके मछली जैसे पैरों से साइड होकर उसके पास आ जाता है। विंग यहाँ पर उसे देख के मुस्कुरा रहा था, पर वांगजी जानता है कि उसे दर्द हो रहा था। वांगजी बड़े ही प्यार से, क्योंकि दोनों की चेस्ट यहाँ पर नेकेड थी, वांगजी अपनी चेस्ट पे से जो पतली सी थिन लेयर थी ना वो भी उतार कर विंग को ढक देता है। विंग वांगजी को देख रहा था, वांगजी उसके पास लेट जाता है, अपने एक हाथ को विंग के सिर के नीचे रखता है और उसे एक पिलो की तरह इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। विंग भी यहाँ पर मुड़ना चाहता था पर वो मुड़ नहीं पा रहा था, उसे दर्द हो रहा था। तो वांगजी कहता है, ऐसे ही रहो। वो विंग को अपने बहुत नज़दीक ले आता है और जो रोब उसने विंग को उड़ाए हुए थे उन्हीं के अंदर घुसकर विंग को टाइट हग कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग गिगलिंग करने लगता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया, तुम तो बिल्कुल मेरा ऐसा ख्याल रख रहे हो जैसे बाबा रखते हैं, तुम क्या मेरे पापा हो। यहाँ पर ये सुनकर ना वांगजी अनॉयड फील करता है और कहता है, नहीं मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, पर हम दोस्त हैं ना। विंग, विंग तुम मेरी वजह से इतने इंजर्ड हो गए, मुझे बहुत दुख लग रहा है। वांगजी यहाँ पर विंग से बात कर रहा था और विंग गिगलिंग कर रहा था और दोनों ऐसे ही बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि ड्रैगन्स का जत्था फिर से निकला है वांगजी को ढूंढने के लिए। विंग यहाँ पर फिर से घबराता है जैसे ही सारे ड्रैगन आते हैं और वांगजी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वांगजी को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो विंग को ना कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है। अगर किसी को पता चले कि ये भी एक डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन है तो यहाँ पर सब उसकी बातों को झूठा मानेंगे, उसे झूठा मानेंगे और उसे निकाल देंगे। वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है और विंग को अपनी बाहों में ही पकड़े रखता है। विंग को बहुत डर लगता है वो सारी की सारी भयंकर साउंड सुन के, और वो वांगजी को कहता है, ये इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, मुझे ड्रैगन से बहुत डर लगता है। वांगजी कहता है, ड्रैगन इतने बुरे नहीं होते। विंग कहता है, नहीं वो मुझे खा जाएंगे, बाबा कहते हैं ड्रैगन जो होते हैं ना वो मोमेंट्स को खा जाते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कभी पानी से दूर नहीं जाना लंजा। जैसे ही वो ये बोलता है ना, लंजा मन में सोचता है, पर मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, अगर तुम यहाँ से दूर नहीं जाओगे तो तुम मेरी दुनिया में कैसे आ पाओगे। विंग वो मन में सोच ही रहा था, फिर वो विंग के चेहरे की तरफ उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, विंग एक बात बताओ, अगर मैं एक ड्रैगन होता और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता, क्या तुम मेरे साथ आते। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं ड्रैगन बहुत बुरे होते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं ड्रैगन के साथ नहीं जाऊँगा, तुम ड्रैगन होते ना तो कट्टी मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनता। यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग को देख रहा था जो कि अभी भी उसे टाइट पकड़े हुए था। वांगजी कहता है,
अगर तुम किसी ड्रैगन के दोस्त नहीं बनने चाहते तो मैं भी किसी ड्रैगन का दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं बस विंग का दोस्त हूँ। और वो यहाँ पर विंग को टाइटली पकड़ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आसमान में उसके सारे भाई बंधु, उसके पूरे लैंड सेक्ट और डीमन सेक्ट के, यहाँ तक कि हुआचंग जैसा इंसान भी उसे ढूंढने के लिए निकला हुआ था। और लैन शिचैन, लैन चरन, चिंगनजुन, ये सारे वहाँ पर हवा में यहाँ पर हुंकारे मार रहे थे। और लवांगची यहाँ ज़मीन के ऊपर था। वांगची को बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से गरम गरम आंसू भी निकलने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूर था। उसे विंग से प्यार होने लगा था, वो विंग से प्यार करने लगा था, लेकिन वो अपने अपने अपनों के पास नहीं जा सकता था। उसे बहुत बुरा लगता है। बस जब वो रोने लगता है ना, तो विंग उसकी तरफ देखता है। विंग उसके आंसुओं को पूछते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? वांगची कुछ नहीं बोलता और कहता है, कुछ नहीं, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। विंग कहता है, कैसी याद, बताओ ना वांगची, कैसी याद आ रही है? तुम्हारे घर वाले वो कहाँ पे रहते हैं? वांगची कहता है, वो बहुत दूर रहते हैं विंग, लेकिन वो पानी के पास नहीं रहते। अगर विंग मेरे घर चलेगा तो विंग कहाँ रहेगा? विंग कहता है, मैं पानी और धरती दोनों पर रह सकता हूँ, पर मैं ज़्यादा टाइम धरती पर नहीं रह सकता। मुझे पानी में लौटना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर वांगजी उसे टाइट हक किए हुए, उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, जब तक विंग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और विंग जब तक किसी और जगह रहने के लायक नहीं होता, तब तक मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगा। मेरे साथ चलोगे ना विंग? विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांगजी यहाँ पर विंग के गालों को किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स को एक बड़े ही प्यारे तरीके से डीप किस करने लगता है, स्मूच करता है, और दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। वांगजी देखता है कि यहाँ पर विंग जो था ना, उसे जो चोट लगी थी और जो ब्लड निकल रहा था, अब वो ब्लड निकलना थोड़ा बंद हो गया था, जब से उसने थोड़ा टाइट से उसे पट्टी भी बांधी हुई थी, अपनी चीज़ें भी बांधी हुई थी, अपना रोप भी बांधा हुआ था। विंग थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो पूरे दिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो थक कर वांगजी की बाहों में सो जाता है और वांगजी उसे पूरी रात निहारता रहता है, जब तक उसे नींद नहीं आती। वो भी विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था और उसकी नोज़ को किस कर रहा था, उसके फॉरहेड को किस कर रहा था, उसके दोनों चीक्स को किस कर रहा था, उसकी ठोड़ी को भी अपने हाथों में लेता है और कहता है, तुम कितने नेव हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं भी एक ड्रैगन हूँ। पर जब तक मैं तुम्हें वापस से अपनी जगह नहीं ले जाता, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मैं एक ड्रैगन हूँ। यहाँ पर ऐसे ही इन दोनों को छुप छुप के मिलते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है। और जो हमारा विंग था ना, एक दिन पूर्णमासी की रात आती है। पूर्णमासी की रात में पूरा चांद था और चांद बहुत ज़्यादा अच्छा था। चांदनी रात के टाइम पे जो मरमेड थी ना, उन्हें अक्सर हीट आया करती थी और वेवशियन को भी उसकी हीट आ जाती है। उसकी पूरा शरीर गर्म हो रहा था, लेकिन जैसे कि उसका रूटीन होता था, वो रात में वांगजी से मिलने के लिए पानी से बाहर निकल आया करता था, क्योंकि वेवशियन जो है ना, वो कभी बच्चों के पास रहा करता था, कभी बुजुर्गों के पास, कभी इधर उधर मंडराता रहता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को इतना डर नहीं लगता था। पानी के अंदर कोई कहीं भी रह सकता है, कोई बहुत बड़े बड़े घर या महल नहीं थे, बल्कि ओपन जगह थी, वो जहाँ तक जाना चाहें जा सकते थे। विंग को पता ही नहीं होता कि उसे हीट आ रही है, उसे लगता है शायद उसे बुखार आया हो। वो जैसे तैसे रेंगते रेंगते हमारे प्यारे अल्फा वांगजी के पास आ जाता है। वांगजी को देखकर वो वांगजी के लिए काफ़ी सारे खाना पीना चीज़ें लेके आया हुआ था। वांगजी अब ठीक हो गया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम बीत गया था। यहाँ पर वो वांगजी के पास आके बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था, जो कि बड़े ही प्यार से एक प्यारे से फ्रूट को छील रहा था और वांगजी के मुँह में डाले जा रहा था। वांगजी बिना कुछ सोचे उस फ्रूट को खा रहे थे। विंग को अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, वो पानी में जाना चाहता था, बट वांगजी कहता है, आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वांगजी कहता है, अच्छा पेड़ के पीछे चलते हैं, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तुम चलो मेरे साथ।
बीइंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे बहुत थकान थकान लग रही है, मेरे से चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो रिंग रिंग के जाता था। तो यहाँ पर लंजा उसे गोद में उठाता है। जैसे ही लंजा उसे गोद में उठाता है, उसका अल्फा सेंटना बीइंग की नाक में सीधा आता है और बड़े तगड़े तरीके से उसे हिट करता है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बीइंग यहाँ पर वांगची को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांगची धीरे धीरे अपने एक एक कदम बढ़ाकर उसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर लेटा देता है। वांगची यहाँ पर बीइंग को देख रहा था, जो कि पसीना पसीना हो गया था। वो अपनी रोब्स को उतार कर बीइंग का माथा पोछने लगता है और कहता है, बीइंग तुम्हें क्या हुआ है? बीइंग कहता है, कुछ भी नहीं वांगची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगची कहता है, क्यों? बीइंग अपने पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसकी हीट आ गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने वाली थी। उसके पेट से नीचे की सारी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी जो थी वो चेंज होती है। उसके हिप एरिया से लेकर नीचे तक की सारी बॉडी अब इंसानी शरीर की तरह बदल रही थी। वांगची ये चीज़ देख रहा था। बीइंग को बहुत गर्मी लग रही होती है। बीइंग की आंखों से अब आंसू टपकता है, जो कि दोनों साइड से जैसे ही वो आंसू गिरता है, वो दोनों मोती में बदल जाता है। लेकिन बीइंग उन दोनों मोती को अपने हाथों में लेता है और उसके बाद उसे मर्ज करके अपने सीने में वापस से डाल लेता है, क्योंकि जो मोमेंट्स होती हैं उनके जो आंसू होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और उनके आंसू किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। इसलिए बीइंग ने अपने जो आंसू थे ना, उसे अपने ही सीने के अंदर डाल लिया था। और बीइंग जो है वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो थी वो वांगची की बॉडी अजीब सी चेंज हो रही थी, जैसे वांगजी की बॉडी है, मतलब आगे का पोर्शन भी बिल्कुल अजीब सा चेंज हो रहा था। वांगजी जब ये चीज़ें देखते हैं तो वो अपने रोब को खोलता है और अच्छे से विभूषण के पूरे शरीर को ढक देता है। विभूषण कहता है, नहीं मुझे गर्मी लग रही है। तो वो कहता है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है और उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। यहाँ पर वो जैसे ही विभूषण की बॉडी को चेंज हो रही थी, विभूषण रेंगता रेंगता ना उसकी लैब पे आ जाता है और जानबूझकर उसे हग कर लेता है। वांगची उसे अपनी बाहों में ही रखता है जब तक उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए थोड़ा दर्दनाक था। वह वांगची की चेस्ट में ही अपना चेहरा छुपाए हुए था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वांगची उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। धीरे धीरे वो वांगची की नेक पे किस करने लगता है और बोलने लगता है, अल्फा अल्फा अल्फा। और वांगची यहाँ पर उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेता है और उसे किस करने लगता है। वांगची धीरे से बोलता है, माय ओमेगा। और यहाँ पर बीइंग धीरे 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 उसकी पूंछ जो थी मछली जैसी, वो पूरी ट्रांसफॉर्म होकर उसके दो पैर में बदल जाती है। और बीइंग वांगची के रोब्स के नीचे बिल्कुल न्यूड था। वांगची यहाँ पर धीरे से जब उसकी टांगें बदल जाती हैं तो उसे क्रॉस करके अपनी गोद में बैठाता है और उसे वहीं किस करने लगता है। बीइंग के जो फेरोमोन्स थे और जो हमारे वांगची के फ्रेग्रेंस थी, वो पूरी हवा में मिल गई थी। एक अल्फा और ओमेगा की जो प्यारी सी स्मूदिंग सी, इतनी स्मूथ सी जो फ्रेग्रेंस थी ना, वो पूरी हवा में फैल गई थी। और यहाँ पर उन दोनों के जो फेरोमोन्स थे, उन दोनों की जो फ्रेग्रेंस थी, वो एक दूसरे की नाक में हिट कर रही थी। और यहाँ पर जिसकी वजह से वांगची की भी रट जोर शोर से आ जाती है। ओमेगा विभूषण तो बहुत बुरी कंडीशन में था और वो वांगची को तभी टाइटली गले लगा देता है, अपने हिप को वांगची के लैप पे रब करने लगता है और बोलने लगता है, माई अल्फा माई अल्फा। वांगची भी उसे कस टाइट गले लगा लेता है और अपने रोब में ही उसे अच्छे से उसने टक इन किया हुआ था और बोलता है, माय ओमेगा। और वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। बीइंग को वो बहुत तगड़े तरीके से उसकी नेक के दोनों तरफ, उसके दोनों शोल्डर ब्लेड पे किस कर रहा होता है। और वांगजी धीरे से बीइंग के लिप्स को अपने लिप्स से मिलाता है और दोनों एक डीप गहरी स्मूच करते हैं। गाइस, आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग इन दोनों की रट और हीट एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, जो वांगशन फैंडम का आप कह रहे थे कि लिंक नहीं लग रहा था, तो मैं आज आप लोगों के साथ दोबारा उसके लिंक को लेके आई हूँ। उस चैनल को खोलिए और उस चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। जो भी उनके पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वो भी जाकर उन्हें ज़रूर सुनिएगा, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि जब किसी का चैनल जाता है, किसी के साथ बुरा होता है, तो आई नो कि उन्हें कैसा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको सपोर्ट करें, सबको उतना ही सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें। और थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।